कि जैसे आपको मैं अभी यहाँ पे बता रहा था कि ये जो नंबर थे आपके यहाँ पे 169 है और ये 69, तो इसके बीच में हम यहाँ पे कॉमन नहीं लेंगे। सेम इसका हमको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, सेम नंबर दिख रहा है, उसी नंबर को क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू नंबर और ये नंबर क्या है, सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो सॉल 81265 आप जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 169 माइनस ये भी आपने कॉमन ले, यहाँ पे क्या हो जाएगा 69, ये नंबर 81265 मल्टीप्लाई 169 में आप 69 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 100। अब इसका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता है कि 100 को मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, किसी भी नंबर से जो नंबर होता है वो हम राइट कर देते हैं और लास्ट में 20 यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये 20 यहाँ पे ऐड हो गया। ये हो गया मल्टीप्लाई, कितना इजी आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है। और इस टाइप के नंबर्स को आप ओडली भी बता सकते थे, तो इसको हमको मल्टीप्लाई कैसे करना है। और आपके इतने भी यहाँ पे जो रिमाइंडिंग जो क्वेश्चन है वो आपको अपने से सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो आपसे बनना भी चाहिए। इस टाइप के नंबर्स को हम डायरेक्ट कैसे ओडली कैसे बता सकते हैं। अब देखिए जैसे हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द सॉर्टेबल प्रॉपर्टी। आप जब इसको टू चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे तो आपको वहां पे 3-4 प्रॉपर्टी मिलेगी, सबको अलग अलग ट्रिक से यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बताया जाएगा। किसी में ऐड करना है तो उसको हमको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब हम यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई वाला आपको मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया है 2738 मल्टीप्लाई 103, तो आपको क्या करना है, यूजिंग सॉर्टेबल प्रॉपर्टी से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए जब आप मल्टीप्लाई वाले नंबर होते हैं तो उसको हम किस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करते हैं, उसको हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी होती है ये, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ये होती है। इसको हम क्या करते हैं, जो आपके नंबर होते हैं उसको हम एक्सपेंड करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसको हम इस फॉर्म में हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। तो इसमें से आप किसी भी टू नंबर्स को आप एक्सपेंड कर लीजिए, जैसे ये नंबर मैं इसका एक्सपेंड करूंगा क्योंकि इजी होगा, इसका मैं एक्सपेंडेड फॉर्म करूंगा तो 100+3 हो जाएगा, बट अगर इसका मैं एक्सपेंडेड फॉर्म करूंगा तो 700 होगा, +30+8, वो हम जब लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ लॉन्ग प्रोसेस रहेगी। इसको हम सॉल्व कर लिए, देखिए कैसे करेंगे, 738 को हम क्या करेंगे, इसका मैं एक्सपेंडेड फॉर्म करूंगा तो 100 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 100+3। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, इससे इसका आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे वहां पर हमने किया था, इसका आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 738 और 00 आ जाएगा, प्लस है प्लस लग गई। अब आपको इसका इससे मल्टीप्लाई करना है तो और वो चीज आप यहाँ पर ऐड करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 24 4 carry 2 3 3 9 और 2 11 1 carry 3 7 21 और यहाँ पे आ जाएगा 22। अगेन आप इसको चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई, 3 8 24 2 carry 3 3 9 9 और 2 होता है 11 और 3 7 21 और 1 22, इसको आप सम कर लीजिए, देखिए सम करने में क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 1 8 + 2 होता है 10, 1 carry 2 3 2 + 2 5 1 carry 6 7। आप यहाँ पे रफ वर्क में भी चेक कर सकते हैं, 7 3 8 00 और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 1 4, आप सम करेंगे देखिए क्या आएगा, 4 1 0 6 7, सेम यही नंबर आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए आपको मैं डी नंबर बता देता हूँ, डी नंबर में आपको ये कैसे लगाना है, सेम यही मैथड हमको फॉलो करना है। अगर आप यहाँ पे 1968 का एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो 100+60+8 ज्यादा हो जाएगा, बट अगर हम 1005 का करेंगे तो ये इजी होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, किस मेथड से कर रहे हैं, आप बोर्ड लगा दीजिए बाय, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है, इसी प्रॉपर्टी का आपको क्या करना है, इसको यूज करना है, क्योंकि आप जब अपनी बुक में जब रीड करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी के नेम हो जाएंगे 4-5 आपकी बुक में, 2 चैप्टर में प्रॉपर्टी दी हुई है। तो इसके लिए आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कर लीजिए, इसको क्या हो जाएगा 1000+5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 168, आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं, बट मैं ब्रैकेट से लगा रहा हूँ क्योंकि 165 को मल्टीप्लाई मैं दोनों से करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो वो तो सेम इजी हो जाएगा, 30 आपको ऐड कर देना है, प्लस लगाइए बीच में। अब आप 100
68 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो देखिए क्या आएगा। और एक चीज आपके मन में, सर यहाँ पे जब हमको पता है कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम आएगा, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा क्यों है, डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है, जो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लग रही है वही यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 840 आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, देखिए ऐड करने में क्या आएगा, 0 4 8 8 1 6 ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, इजी आप मल्टीप्लाई करके आप जल्दी बता सकते हैं कि इसका आंसर मल्टीप्लाई करने में क्या आता है। कि आपकी बुक में आप जितने भी यहाँ पे रिमाइनिंग जो क्वेश्चन बच रहे हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वो आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।